चाइना जब देखो लड़ता झगड़ता रहता है, कभी कहीं अटैक करता है, कभी कहीं, पता है ना तुम्हें ये पूरी दुनिया में अपना प्रभुत्व कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि मैं नंबर वन बन जाऊं इस पूरी दुनिया में। जब ये पेंडेमिक आया तो उससे पहले 2019 तक अमेरिका नंबर वन कंट्री था, पिछले कई सालों से ग्रोथ रेट लगातार ग्राफ बहुत आगे। अब इस चाइना को अमेरिका को पीछे करना था, बहुत लोगों का ये मानना है कि पेंडेमिक में कहीं ना कहीं चाइना का बहुत बड़ा हाथ था, एग्जैक्टली किसी को नहीं पता। पर पेंडेमिक का सबसे तगड़ा नुकसान जो झेला है वो किस देश ने? अमेरिका। आप कभी डेथ रेट का चार्ट निकाल के देखना, गूगल पर है, सबसे ज्यादा लोग कहां के मरे हैं? हम जैसे ना वैसे दुखी होते रहे, चीन हमारा दुश्मन, चीन को कोई मतलब नहीं छोटे मोटे देशों से, वो बस ये कर सकता है कि कब्जा करने के लिए हमसे लड़े, बाकी चीन और हमारा मुकाबला नहीं है, ये कड़वी सच्चाई है। आपके देश की सरकारें बेवकूफ बनाने के लिए कहती हैं कि चीन हमारा ऐसा दुश्मन, चीन ये, चीन को इंडिया से कोई मतलब नहीं, वो जानता है कि आप उसके सामने टेक्नोलॉजिकली कहीं टिकेंगे ही नहीं, वो आपके ऊपर सिर्फ अटैक करके आपकी जमीन को हड़प सकता है, बाकी उसका और आपका कोई मुकाबला नहीं है किसी भी चीज में। उसने आपके देश के घर के अंदर इतनी जगह बना रखी है कि आप चाह के भी चीन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम पता कितने बेवकूफ, हमारा देश कितना पिछड़ा हुआ है, हमें जब दिवाली आती है तो कहते हैं कि ये लड़ियां मत लगाओ, ये कहां से आती है? तुम सबके घरों में जो कंघे इस्तेमाल होते हैं ना, ये कंघे भी चाइना के हैं। तुम जो ये जितनी चीजें, कपड़े तो हैं ही, कपड़ों के अलावा भी मतलब जितने तुम्हारे घर के सामान है ना, इन सामानों का 80-90% हिस्सा चाइना से आता है। तुम कोई ब्रांडेड सामान की बात नहीं कर रही हूं मैं, कंघा कितनी छोटी चीज है ना, देश में जितने कंघे लगभग आ रहे हैं ना, ये सब चाइना से आ रहे हैं। कहां कहां से बायकॉट करोगे? एक वो लड़ियां हटाने से तुम्हारा काम चल गया? तुम जितने ब्रांड की चीजें इस्तेमाल करते हो, बिना ब्रांड की लगभग चीजें चाइना से आती हैं। ब्रांडेड तो चलो अमेरिकी है, यूरोपियन है, कपड़े देखो, जूते देखो, कोई भी चीज उठा के देख लो, जो ये जॉकी है, मोंटे कार्लो है, इनमें से इंडियन कौन है? सब विदेशी है। आपके जितने जूते हैं वो तो चलो बड़े ब्रांड है, मैं छोटी बातें कर रही हूँ। जो आजकल ये बेडशीट्स आ रही है ना, पहले हम बड़े शान से कहते थे कि हमारे देश में पानीपत एक ऐसा शहर है जिसको बुनकर नगरी कहते हैं। पानीपत की सच्चाई तुम जानते हो? सब काम फ्लॉप है, सब बंद पड़ा है, पानीपत में कोई बुनकर नहीं है आज की डेट में। सारे का सारा माल कहां से आ रहा है? ये सारी बेडशीट जो है ना चाइना से आती हैं, जो पानीपत से आगे जाती हैं, और हमें लगता है कि भैया हम तो पानीपत से बेडशीट ले आए, सब चाइना का माल है, हर जगह चाइना है। किसी मॉल में जाते हो आप, देखते हो लिखा होता है स्टोर 99, इसमें ज्यादातर माल किसका बिक रहा होता है? चाइना का। आपके घर में जितना प्लास्टिक है ना, उस प्लास्टिक का सबसे बड़ा जो मार्केट है आपका देश, वो आया कहां से है? चाइना। तो इसलिए ये लड़ियों वाली एक्टिंग करना हमारा देश बंद करे और असलियत देखे। हम इतने गरीब पता है क्यों होते जा रहे हैं? इंडिया ही क्यों गरीब हो रहा है? तुम आजकल देख रहे हो महंगाई कहां बढ़ गई। जो सामान पिछले साल 250-300 का था ना, वो इस साल में 400-450 का आने लग गया। ये पिछले एक साल में महंगाई कई गुना बढ़ गई, 100-100 रुपए, 50-50 हर चीज पे बढ़ गए। ऐसा क्या हो गया? ऐसी क्या दिक्कत आ गई तुम्हारे देश में ना? सबसे बड़ी बदहाली का कारण क्या है? सरकार जानबूझ के काम नहीं करना चाहती, तुम्हारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना, ये धीरे 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 करके बंद होती जा रही है। किसी देश को अगर सच में आगे बढ़ाना है ना, तो वहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या बहुत सारी फैक्ट्रीज ये लगानी चाहिए, क्योंकि इनसे लोगों को रोजगार मिलता है। देश को आगे बढ़ाना है तो सर्विस सेक्टर बढ़ाना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी पड़ेगी। तुम्हारे जितने अपने मैन्युफैक्चरिंग के स्टोर थे ना, जहां फैक्ट्री जहां बनता था, ये कंघे भी नहीं बनते हमसे। हड़प्पा वालों के टाइम पे कंघे हमारे पास थे, खुद बनाते थे, नाव बनाते थे। तुम आज सड़कों पे जितनी गाड़ियां देखते हो, देख रहे हो धीरे धीरे मारुति का परसेंटेज घट रहा है, पता है तुम्हें ये बात? पहले मारुति अकेली देश का एक बड़ा परसेंटेज, और मारुति अकेली नहीं थी, मारुति के साथ क्या था? सुजुकी कहां की है? जापान की। अब मारुति सुजुकी से ये हीरो होंडा, जापान की तो थी, हीरो मोटो कॉर्प्स जो बन गई है, उसने अपना शेयर वापस ले लिया। आप ये देखो, इसका पहले पूरे मार्केट पे धाक थी, और हर घर में जो गाड़ी खड़ी होती थी वो मारुति की थी। धीरे धीरे अब गूगल कर लेना, इसका परसेंटेज पिछले 8-10 सालों में घट गया, नीचे आ गया, और अब बाकी जो ब्रांड है ना, इनका परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ने लग गया। अब जितनी सड़क पे गाड़ी चलती है तो अलग अलग देखा, अलग अलग कंपनीज की है, तो ये सब चीजें जो बाहर से आ रही है, आप सोचो जूते ब्रांडेड पहनने लग गए, कपड़े बाहर के आने लग गए, आपके कंघी भी बाहर की आ रही है, कितना सामान आपका बाहर से, यानी आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ रही है या खत्म हो रही है? देश को आगे बढ़ाना है तो सबसे बेसिक है कि आपके पास कौन सी यूनिट लगी हुई हो मैन्युफैक्चरिंग। और आपको ना चाइना ने इतने बड़े लेवल पे बेवकूफ बनाया हमारे देश को, हमें पता ही नहीं चला, आम आदमी इतना पढ़ा लिखा है नहीं। चाइना ने आपके देश में आज से एंट्री नहीं की, चाइना और आप इकट्ठे आगे बढ़ने लगे थे। इनफैक्ट NCERT की किताब में ये लिखा है, 1950 में हम और चाइना बराबर थे, वो हमसे बहुत आगे नहीं था, आप भी अच्छे देशों में थे, अच्छे इन द सेंस आपके अंदर कैलिबर था 1950 से, और आज हम 2022 में हैं, चाइना दुनिया का नंबर वन देश है, और भारत अपनी गरीबी से जूझ रहा है, भ्रष्टाचार से जूझ रहा है। भारत हर घटिया चीज में टॉप में रहता है, चाहे भ्रष्टाचार की लिस्ट बन ले या कोई इस तरह की लिस्ट, उसमें आप सबसे पीछे हो गए अच्छी लिस्ट में, और खराब लिस्ट में आप टॉप 5-7 में आ जाओगे। ये हमारे साथ से इतना आगे कैसे बढ़ा? इसने अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की ढेर यूनिट लगाई, और इसने पता क्या किया, भारत जैसे देश को जो ये जानता था कि मेरे बाद आबादी में सेकंड है, जैसे आबादी होना फायदा है या नुकसान है? कैसे फायदा है? नुकसान है। बचपन से पढ़ाया गया बढ़ती जनसंख्या
क्या था, किस चीज का कारण बनी थी? बेरोजगारी का, प्रदूषण का, गलत पढ़ाया। बढ़ती जनसंख्या एक असेट है। असेट का मतलब समझते हो क्या होता है? असेट, असेट को मान लो पूंजी। अपने आप को देखो, तुम सब अगर नौकरी लग जाओ, मान लो तुम घर में दो भाई बहन हो, तीन हो, तुम्हारे पिताजी कमाते हैं महीने के 50,000, आधों के 20,000 कमाते होंगे, कोई हो सकता है 10,000 का भी काम चलता हो, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना ही हमारे इंडियन घरों में। अब जिसके ये दो तीन बच्चे अगर नौकरी लग जाएं, और ये तीनों कोई 50,000 की नौकरी लग जाए, कोई 45,000 की और कोई 35,000 की, मुझे बताना इस आदमी जिसकी 20,000 तनख्वाह थी, इसके दोनों तीनों बच्चे इस जगह आके खड़े हो गए, ये इसके लिए बोझ है या ये असेट बन गए? तो पूरा भारत क्यों नहीं असेट बन सकता? ये चाइना 1950 में हमारे बराबर था, आज आप जब मेडल्स की लिस्ट देखते हैं तो हर चीज में ये आगे है, टेक्नोलॉजी में, सामान में। आपको पता है ना, जो ये ओलंपिक हुए थे इसमें भी टॉप में था, पता है ये बात तुम्हें? अमेरिका चाइना टक्कर लेता है सारे ताकतवर देश, और आप सबसे नीचे की लिस्ट में। तो भला हो लास्ट डे जो ये 7 अगस्त को बेचारे नीरज चोपड़ा की मेहनत रंग ला गई, नहीं तो तुम्हारे देश में था ही क्या? गोल्ड तो जीरो था हमारा। ये एक इकलौता जिसपे हम इतने चौड़े हुए घूमते हैं कि इंडिया तो पता नहीं क्या है। हम देखते किसको है? पड़ोसी पाकिस्तान, जिसका हमेशा टेली में जीरो नंबर है। हम अमेरिका चाइना को नहीं देखते। चाइना ने अपनी पूरी पॉपुलेशन को क्या बना दिया? इसने ये सोचा जब जनसंख्या ज्यादा है ना तो हर एक आदमी कीमती होना चाहिए। मेरा हर इंसान जो इस देश में है, या तो वो खेल में निकल जाए, या वो प्रोडक्शन में आगे निकल जाए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, या वो बिजनेस कर ले, या वो अच्छी नौकरी कर ले। हमने क्या सोचा? बचपन से मुझे याद है हमेशा पढ़ाया गया बढ़ती जनसंख्या एक अभिशाप है, बढ़ती जनसंख्या से बेरोजगारी बढ़ती है, यही पढ़ा ना बचपन से, दिमाग में ठूस दिया कि बढ़ती जनसंख्या बोझ है। चाइना ने अपने हर बच्चे को सिखाया कि हर किसी को असेट बनना है। जो हमारे साथ तुम्हारे साथ जो बच्चे बड़े हुए ना, वो चाइना में तो पॉजिटिव चीजें सोच के बड़े हुए, और हमारी पीढ़ी ये सोच के कि बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या, तभी तुम पीछे रह गए। इस चाइना ने प्रोडक्शन यूनिट लगा के अपनी मैन्युफैक्चरिंग, और आपके देश को देखा कि ये सबसे ज्यादा बेवकूफ हैं और ये सबसे बड़े कंज्यूमर हैं। क्योंकि अगर आपके यहाँ कंघी बिकने लग गई तो एक परिवार में अमूमन 2 से 3 कंघे तो रखता ही है हर आदमी। आपका देश है 150 करोड़ का, तो आप सोचो हर परिवार में कितने परिवार होंगे, और वो सब कंघी। कंघी बकवास बात होती है, लेकिन इसके पास करोड़ों रुपए गए ना आपके, और किस चीज के लिए? जिसकी कोई वैल्यू नहीं। इसने आपके देश को डंपिंग का बाजार बना लिया। डंपिंग का मतलब होता है, इकोनॉमिक्स में एक टर्म है। शुरू में इसने आपके देश में कदम कैसे जमाए? आपके यहाँ एक पॉलिसी आई थी एलपीजी, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। शुरू में ना आपके उद्योग धंधे बहुत बहुत खराब थे, मतलब बहुत ही निचले स्तर के, कोई ब्रांड ब्रांड हमारे यहाँ नहीं था, और हर चीज बकवास थी। हमने 40 साल वेट किया, 1947 से 1990 आ गया। तो ये सोचो 40 साल कि शायद इंडियन सुधर जाएं, कुछ अच्छा प्रोडक्ट बना लें। अच्छा नहीं सुधरे, बकवास जूते, बकवास कपड़े, हर चीज बकवास। फिर 1991 में हमारे ऊपर प्रेशर आया पूरी दुनिया में, WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। इसने कहा भाई दुनिया बदल रही है, मार्केट खुला छोड़ दो, जिस देश को जहां सामान बेचना है बेचो। हम भी इसके मेंबर थे, हमारे ऊपर भी प्रेशर आया, और फिर हमने अपने लोगों को कहा देखो भाई अब दुनिया के लोग आएंगे यहां कपड़े बेचने, जूते बेचने, तुम में काबिलियत हो तो तुम्हारा सामान बिकेगा, नहीं तो बंद होगा, सुधार लो। एक आधा साल और दिया, लेकिन हमारे इंडियन प्रोड्यूसर्स ने कोई ध्यान नहीं दिया, और देखते देखते हमारे मार्केट में किन लोगों की एंट्री हो गई? चाइना, अमेरिका, यूरोपियन कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्रिटेन। और जब इनका सामान आया ना, तो इनके सामान की क्वालिटी बहुत हाई थी और आपके सामान की क्वालिटी बिल्कुल बेकार। तो अब जो खरी, अच्छा इन्होंने एक चालाकी और की, इन्होंने अपने सामान की उस टाइम कीमत क्या रखी? बहुत। इन्होंने सोच लिया कि हमें नुकसान हो जाए, लेकिन इन इंडियंस को हमारे सामान की आदत पड़नी चाहिए। एक बार ये आदि बन गए ना, फिर ये हमारे ग्राहक हैं जिंदगी भर, और इनके अपने बिजनेस फ्लॉप हुए तो हमारा ही सामान बिकेगा। आबादी बहुत बड़ी है। अब सोचो अमेरिका किसी 50 लाख की आबादी वाले देश में बिजनेस करे तो उसका कितना बिजनेस चलेगा? सब खरीदे तब भी कुछ नहीं बिकेगा। आपके देश में अमेरिका का कोई सामान बिकने लगे तो आप कितने करोड़ प्लस लेके बैठे हैं? अब 150 करोड़। अगर अमेरिका को एक दो साल, जियो की तुम्हें ट्रिक समझ में आती है? जियो ने क्या किया पता चला तुम्हें? क्या किया जियो ने? पहले सस्ता फ्री, पहले सबसे पहले फ्री। फ्री से क्या हो गई लोगों को? आदत पड़ गई। पहले कभी किसी गरीब आदमी के दिमाग में भी नहीं था कि मोबाइल लूंगा। इस फ्री ने उस गरीब को ग्राहक बनाया। जैसे पहले वो जाल में फंस गया, अब उसको इतने दिन तक फ्री दिया कि उसको हैबिट पड़ जाए कि मुझे गूगल, ये गूगल तो छोड़ो, ये क्या है, ये सोशल साइट्स की भैया, व्हाट्सएप, टिकटॉक खासकर, ये सब चीजें, फेसबुक, और ये अब ये सब इतनी आदत पड़ गई कि अब वो ग्राहक है। आज इंडिया में लगभग हर किसी के हाथ में मोबाइल है। अगर इसके दाम शुरू से महंगे रखे जाते या फ्री ना होता तो क्या कोई गुब्बारे बेचने वाला, रेहड़ी लगाने वाला, सब्जी बेचने वाला मोबाइल लेता? कोई ना लेता। ये फ्री की आदत से ग्राहक बन गए। ऐसे ही चाइना ने आपको किया। चाइना ने डंपिंग किया आपके देश में, सस्ता सामान 99-35। मुझे ध्यान है जब मैं छोटी थी 35 रुपए में कुछ भी सामान ले जाओ घर का, तो लोग इतने पागल हुए 35 रुपए में, और सच में 35 में सामान देता था। तुम सोचते हो ऐसा क्यों करता है ये? बड़े होकर जब इकोनॉमिक्स पढ़ी तो समझ में आया कि ये कुछ साल तक इसने अगर करोड़ों रुपए वेस्ट कर भी दिए तो क्या फर्क पड़ा? इसने क्या कर दिया अपने सामान को यहाँ?
बनाता आपके यहाँ फेंक जाता कि चलो जितने बिके बिक जाए, फिर बनाता, उसकी यूनिट चलती रही, आपके यहाँ सामान की आपको आदत पड़ गई, धीरे धीरे आपके सामान जो बनते थे ये बंद होते चले गए और आप डिपेंड हो गए चाइनीज मार्केट पर। और आज ये हालत है कि ना आपका पानीपत का कपड़ा कहीं जाता और ना आपके देश में कंघे बनते, सब ब्रांडेड है। धीरे धीरे करके आपकी सारी मैन्युफैक्चरिंग खत्म। देश आगे बढ़ने के लिए कौन सा सेक्टर जरूरी है? मैन्युफैक्चरिंग। इसीलिए आपका देश रोज और गड्ढे में गिरता जा रहा है। अब कोई भी सरकार है, सब झूठे हैं, आम आदमी पार्टी है, मोदी जी हैं या फिर अपने ये राहुल गांधी, ये सब बकवास कर रहे हैं, सब दिखावटी बातें करते हैं। रियलिटी इकोनॉमिक्स ये बताता है कि जब तक भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगी तब तक आपके देश की प्रगति नहीं हो सकती। और किसी को मतलब नहीं है मैन्युफैक्चरिंग से, सबको अपने पेट भरने से, अपनी जेब भरने से मतलब है। तो जिस दिन ये फैक्ट्रीज और ये सब दोबारा लगेंगी ना, तब देश आगे बढ़ेगा, वरना नहीं।